हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं जय आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजी टेक में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा जो मैं अभी रिसेंटली होम थिएटर यूज़ कर रहा हूँ, सोनी HT IV300, उसके सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आप इसको कैसे अपने हॉटस्पॉट से अपडेट कर सकते हो। अब अगर आपके यहाँ वाईफाई कनेक्शन है उससे अपडेट कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको USB से अपडेट करना बताऊँगा। तो दोस्तों, ये अभी मैं आपको दिखा दूँ, मैंने मेरे में इसमें भी जो वर्जन आ रहा है वो कौन सा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर वर्जन आपको दिख रहा है M23.R.O200 करके है, जबकि अभी लेटेस्ट मैंने चेक करा है, ये जो लास्ट में 200 आ रहा है वहाँ 221 आ रहा है। तो अभी ये मैं इसको अपडेट करूँगा। तो अभी मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास ये होम थिएटर ऑलरेडी है, सोनी का कोई भी होम थिएटर है, तो मैं उसमें आपको बता दूँ कि आप कहाँ से चेक करोगे इसके सॉफ्टवेयर का, कि अभी लेटेस्ट आप कौन सा यूज करो। तो दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं, आपको होम पे आना है। होम, ये इसका होम पेज खुल गया है। अब यहाँ से आपने करना ये है, सिस्टम सेटिंग पे जाना है। सिस्टम सेटिंग के बाद सबसे नीचे आपका आएगा ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन, आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ आपको दिख जाएगा ये सॉफ्टवेयर वर्जन ऊपर लिख के आ जा रहा है। अब इसके बाद आपने करना ये है कि आपको इंटरनेट पे जाके सोनी वेबसाइट पे चेक करना कि लेटेस्ट कौन सा चल रहा है। तो वहाँ से अगर इससे आपके पास हाइयर है जो नेट पे दिख रहा है, तो आप अभी आपके पास लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन है उसका। अगर उससे लोअर है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो उसे। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको अपडेट करना है। तो बेसिकली आपको करना ये है कि अभी मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ आपको दिखा दूँ, मैंने ये नेटवर्क सेटिंग में जाके यहाँ नीचे सबसे नीचे आता है, ओ सॉरी सबसे टॉप पे आ रहा है वायरलेस नेटवर्क सेटिंग, यहाँ जाके आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ दोस्तों ऑलरेडी मेरा कनेक्ट था, अभी फिर दोबारा ये सर्च करने लगा है। तो अभी इससे मैं कनेक्ट करके कर रहा था, तो पता नहीं कोई इशू आ रहा है मेरे ये मेरे फ़ोन से, या जिससे मैंने कनेक्ट कर रखा, ये Realme XT से कनेक्टेड है ऑलरेडी। तो और उसके बाद यहाँ सबसे टॉप पे आ रहा था सॉफ्टवेयर अपडेट, कनेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाना है। ये अभी दिखा रहा है देयर इज नो अपडेट फाइल। तो दोस्तों अभी अब मुझे करना इसमें ये है, आपको प्रॉपर, हाँ ओके, अभी सॉफ्टवेयर अपडेट दिख रहा है आपको, क्योंकि अब यहाँ से हो नहीं पा रहा है। तो अब मैं USB से इसमें इंस्टॉल करूँगा, तो मैं आपको वही ट्रिक बताऊँगा कि USB से आपको कैसे इंस्टॉल करना है। अब ठीक है, मैं आपको अभी उसका लिंक आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि जहाँ से इसके सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, या गूगल पे आपको प्रॉपर इजीली सर्च कर लेना है कि अपने होम थिएटर का मॉडल डाल के, जैसे मैंने सोनी HT IV300 लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन करके सर्च करा, तो वहाँ निकल के आ गया। तो वो कुछ 100 अबाउट 100 MB का है, तो मैं उसको अभी डाउनलोड कर ले रहा हूँ और उसके बाद बताऊँगा कैसे इंस्टॉल करना है। तो मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, उसमें पूरी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। इसका साइज़ आप देख तो पा रहे हो, 107 MB कुछ है, और ये मैंने डाउनलोड कर ली, जिप में मुझे फाइल में मिली है। अब इसके बाद करना क्या है आपको, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों इसको आपको अनजिप करना रहेगा। अनजिप करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, विनरार यूज करेंगे आप। तो मैंने उसको अपने PC में इंस्टॉल कर लिया, PC में मैंने डाल दिया है। अभी मैं इसको अनजिप करके दिखाता हूँ क्या आपको करना है। यहाँ दोस्तों मैंने इसको अनजिप कर लिया। अनजिप करने के बाद ही अपडेट नाम का एक फोल्डर बन गया है। इस फोल्डर को एज इट इज आपको एक USB में डालना है। यहाँ दोस्तों मैंने एक USB लगा ली, उसको फॉर्मेट भी कर दिया है, और ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद ये वो पेन ड्राइव में फॉर्मेट करने के लिए बोल रहा था, फॉर्मेट मैंने उसको कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको ओपन करा और यहीं मैंने इसको पेस्ट कर दिया रूट डायरेक्टरी में। ये मैंने अपडेट वाला फोल्डर इसमें कॉपी कर दिया है, और यहाँ इसके अंदर मैं बता दूँ कि चार फोल्डर इसके अंदर रहेंगे। अब इसको क्या करना है, यहाँ से मैं इसको इजेक्ट कर रहा हूँ। इजेक्ट करने के बाद होम थिएटर में लगा रहा हूँ और बता रहा हूँ उसको कैसे आप रन कराओगे। तो दोस्तों मैंने इसमें डाटा वो कॉपी कर दिया। अब उसके बाद अगला स्टेप ये रहेगा, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो आप, तो अपने जहां लाइट आ रही, लाइट का इंटरप्शन हो तो वहां से प्लीज़ मत करें। आप अपने सिस्टम को या होम थिएटर को इन्वर्टर से कनेक्ट कर लें, क्योंकि ड्यूरिंग अपडेशन अगर ये पावर ऑफ होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए आपको करना ये रहेगा कि इंश्योर हो जाए कि पावर का ड्रॉप ना हो वहाँ पे। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, उसके बाद करना ये, सबसे पहले आपको ये आपका होम मेन्यू पे जाके ये आपको खोलना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको आना है ये सिस्टम सेटिंग पे, सबसे एंड में सिस्टम सेटिंग पे आना है। और मैं आपको बता दूँ, एक ये चौथे या पांचवें नंबर पे आता है क्विक स्टार्ट मोड, ये आप इंश्योर हो जाएं कि ये ऑफ पे लगा हुआ हो। अगर ये ऑन है तो उसको ऑफ कर देना आप, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तो आपका वो स्टार्ट नहीं होगा। अब उसके बाद अगला स्टेप ये रहेगा, इसको ऑफ कर देने के बाद आपको वापस आना है,
वापस आने के बाद आपने करना ये, इसमें यूएसबी को इंसर्ट कर देना है। तो दोस्तों मैंने यूएसबी को इसमें लगा दिया, लगाने के बाद मुझे जाना है इसमें ऊपर, ये आप देख पा रहे हो सॉफ्टवेयर अपडेट सबसे टॉप पे जो आ रहा है सेटअप में जाके, इस पर मुझे क्लिक करना है। अब देखिए इसने दोस्तों डिटेक्ट कर लिया है अपडेट फाउल फाइल फाउंड इन यूएसबी मेमोरी, डू यू वांट टू अपडेट करंट। अब देखिए दोस्तों मेरा जो करंट वर्जन था वो ये था, न्यू वर्जन आप भी देख पा रहे होंगे। तो अब मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ, देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। ये दोस्तों मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ टीवी में तो कुछ दिख नहीं रहा दोस्तों, ये यहाँ परसेंटेज यहाँ चलने लगी है। तो अभी ये कंप्लीट होता है, मैं बताता हूँ कितना इसमें कंप्लीट टाइम लगा है, बाकी तो स्पीड में काफ़ी ज़्यादा हो ही रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें शायद नहीं आ रहा होगा, इसमें अपडेट की लाइट ब्लिंक कर रही है। तो ये 100% हो गया है, और ये अगेन रिस्टार्ट हो रहा है। तो ये इसका ऑफिशियल, ये उसका होम पेज पे मैं आ गया हूँ। ये दोस्तों आपको खुद से ऑन करना नहीं है, उसको ऑन होने देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगा, अभी मैं देखता हूँ इसका करंट सॉफ्टवेयर कितना। तो यहाँ से आपको इसका ये अभी इन्फॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ। तो ये हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे ये मेरा अपडेट हो चुका है, और जो वर्जन इसका आप देख पा रहे हो वीडियो में आपने पहले देखा होगा, M23.R.0200 कुछ था, वो 221 हो गया है। तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया है इसका सॉफ्टवेयर वर्जन। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।